सो मैडम, आपके पास इस तरह के पेशेंट्स का क्या रेशियो है कि जो अपनी एक्ने को वो और ख़राब करके आ जाते हैं कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने यूज़ कर ली, ओवर द काउंटर कोई प्रोडक्ट फार्मेसी से उठा ली, किसी केमिस्ट से पूछ ली कि मेरे लिए मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या यूज़ करूँ, किसी रिश्तेदार किसी फ्रेंड से पूछ लिया, तो आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं जिनके पास बहुत एक्ने हो लेकिन वो क्योर हो सकती थी लेकिन वो इतनी उल्टी सीधी प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ करते अपनी एक्ने और इतनी उन्होंने ख़राब कर ली? डेली रूटीन में हमें काफ़ी इस तरह के जो है केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ एक्ने का उन्होंने ख़राब किया होता है, ख़राब ना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बल्कि घरेलू टोटके वो सभी इस्तेमाल कर करके ख़राब की भी होती है। प्लस ये कि वो कोई एक जो एक दूसरे से मिलजुल के जो अपनी क्रीमें और ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस ओवर द काउंटर देखें आपको नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है, आपको कितनी किस चीज़ की कितनी परसेंटेज चाहिए, कैसी चाहिए, आपको कौन सी दवा चाहिए। लोग जो हैं वो सीधे सीधे उठा के लगा लेते हैं वही। अब आपकी और एक्ने की आपकी टाइप के एक्ने की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी कोई एक ही तरह की होगी। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको एक्ने का आपका देख के आपकी एक्ने की टाइप देख के उसके हिसाब से आपको दवा बताएगा, क्योंकि अगर आप ओवर द काउंटर लेंगे तो ज़्यादातर ये होता है कि ख़राब कर देते हैं, निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, और एक दफ़ा अगर स्कारिंग पड़ जाए ना तो उसका फिर उसको ठीक करने में बहुत मतलब मराहल से गुजरना पड़ता है, फिर जाके होता है। तो बेहतर ये होता है कि जब आपका शुरू हो जाए आप उसी वक्त अपने प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से जो है कंसल्ट करके उनके मशवरे के हिसाब से इस्तेमाल करें और उसको मज़ीद ख़राब ना करें। तो फिर यही होता है कि हमने एक छोटे सी प्रिस्क्रिप्शन के लिए जिसका नुस्खा हम कह रहे हैं बहुत सस्ता है उसी को ट्रीट करने के लिए आप और खर्चों में पड़ जाते हैं कि आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स में पड़ जाते हैं, फिर आपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आपको देता है, तो जो आप जो ट्रीट हो सकता था उसके बजाय आपने अपने जो पहले ही काबू में आ सकता था वो फिर बहुत फिर मुश्किल से पकड़ में आता है। डेफिनेटली, तो उसमें आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, अपनी स्किन भी ख़राब कर दी और आपने अपना पैसा भी वेस्ट किया। अच्छा मैडम, इस उन पेशेंट्स के लिए आप क्या उनको प्रिस्क्राइब करती हैं, उनके आपको क्या टेक अवे होता है कि आप किस तरह उनको डील करती हैं? देखें जब हमारे पास एक्ने के जो आते हैं स्पेशली अगर यंग जनरेशन जब होती है तो हम एक प्रॉपर उनको रिजीम भी बताते हैं। रिजीम जो शुरू होती है कि आप कैसे आप क्लींजिंग करेंगे, अगर आप कैसे टोनर यूज़ करेंगे, कौन सा फेस वॉश आपके लिए सही है, अगर आप बाहर धूप में जाते हैं, ऑफकोर्स स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, आपको एक प्रॉपर सनब्लॉक चाहिए होता है जो आपकी स्किन के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसको कब रिपीट करना है। लड़कियाँ स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनके लिए कि मेकअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल बेस्ड मेकअप बराए मेहरबानी जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं बिल्कुल ना यूज़ करें, आपको वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए हेल्दी मतलब सही रहता है, ऑयल बेस्ड मज़ीद आपका नुकसान करता है। प्लस मेकअप लगा के सोएं मत, आप उसको उतार के फिर जो है अपना अच्छे से वॉश करके फिर साफ करें, तो एक प्रॉपर रेजीम होना चाहिए जिसका पता होना चाहिए और फिर उसको फॉलो करना चाहिए। और कुछ कुछ टिप्स होती हैं कि आपने डबल क्लेंस करना है, अपने वाइप्स यूज नहीं करने स्पेशली फॉर द पीपल हु आर एक्ने प्रोन और दे हैव एक्टिव एक्ने, तो वाइप्स भी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब कर देता है और आपकी जो एक्ने होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है।